बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू लेक्चर नंबर 15 ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करा हुआ है और उसके अंदर हम मुख्तलिफ ग्राफ बनाना सीख रहे हैं, और उसके जो पीछे मकसद है वो भी आपके इल्म में है कि हम जो है वो रॉ डेटा को एक इंफॉर्मेटिव वे के अंदर प्रेजेंट करना सीख रहे हैं। इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर भी हमने सीखा था कि किस तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाकर हम जो है वो इसको सीखते हैं, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम ग्राफ बनाकर जो है हम ये चीज़ें सीख रहे हैं कि किस तरह हम एक रॉ डाटा को एक अच्छे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके ग्राफ की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि वो समझने में आसानी हो। तो इसके लिए हमने दो डायग्राम पहले ही पढ़ी है। एक हिस्टोग्राम हमने देखा था हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर कि हिस्टोग्राम कैसे बनता है, तो आपको याद होगा कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी उसमें क्वेश्चन में दी हुई होती है हमें, और हम जो है वो क्लास बाउंड्रीज निकाल कर हम उसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसानी से। और दूसरी चीज़ जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। उसके अंदर भी हमने ये देखा था कि बहुत सिंपल वे के अंदर जो है वो उसने हमें क्वेश्चन में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, हम सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट्स निकालते हैं और मिड पॉइंट्स के जरिए जो है वो हम उनको ज्वाइन करते चले जाते हैं, पॉइंट्स जो हम निकालते हैं और वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारे सामने आ जाता है, बहुत आसानी से बन जाता है। आज हम सीखने जा रहे हैं हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन ऑन द सेम ग्राफ पेपर, यानी कि ग्राफ सेम है, एक ही ग्राफ के अंदर ये दोनों भी बनाने के लिए आता है। और ये आपको मैं बताऊँ मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का बोर्ड के अंदर इस तरह के सवाल बहुत आ रहे होते हैं, और कभी कभी वो कन्फ्यूजन के तौर पर जो है वो सवाल इस तरह भी कर देता है, ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन सेम पेपर। अब सिर्फ सेम पेपर का मतलब स्टूडेंट ये समझते हैं कि भाई वो यानी कि उन्होंने दो ग्राफ बनाए, एक में हिस्टोग्राम बना दिया एक में पॉलीगॉन बना दिया और समझते हम सही करके आए। नो, जब भी ये आएगा कि यानी कि ये दोनों सवाल अगर एक साथ आ जाए हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो उसके अंदर आपने क्या करना है कि ग्राफ एक ही होगा और इसमें इन दोनों को बनाना हम सीखेंगे किस तरह बनाते हैं, तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। तो हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सवाल आपके सामने आ चुका है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सोल्यूशन की तरफ पढ़ने से पहले मैं आपको ये बात याद दिला दूँ दोबारा कि हमने पढ़ा था कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज निकालनी पड़ती हैं और पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें मिड पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। तो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो हमें ये दोनों चीज़ें हमें अपने सॉल्यूशन में दिखानी होंगी, क्लास बाउंड्रीज भी निकालनी हुए और मिड पॉइंट्स भी निकालना। ठीक है, तो हम बनाते हैं यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे मिड पॉइंट को चूके स्मॉल x से जो है वो डिनोट कर रहे होते हैं, तो मैंने वही लिख दिया। क्लास बाउंड्रीज का आपको याद होगा वही फॉर्मूला होता है, लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास डिवाइडेड बाय 2। तो 20 में से मैंने 19 को माइनस करा, 1 आया, 1 को 2 से डिवाइड करा, 0.5 जो आंसर निकलता है उसको क्या करते हैं लोअर लिमिट में से माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में प्लस कर देते हैं। तो 10 में से जब मैंने माइनस करा 0.5 को, तो 9.5, देन 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 49.5, then 49.5, and 59.5, 59.5, and then 69.5। ये हमारे सामने जो है वो इसके सवाल आ गया। अब हम चलते हैं इसकी मिड पॉइंट्स की तरफ, इसको क्लास बाउंड्रीज हमने निकाल ली, अब हम इसकी मिड पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो मिड पॉइंट आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को हम प्लस करते हैं और जो है वो 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब मैं 9.5 को 19.5 में प्लस करूंगा तो आंसर आएगा 29, 29 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर निकलेगा 14.5, फिर यहाँ पे 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, देन 64.5। ये हमारे सामने जो है वो क्लास बाउंड्रीज भी आ गई और हमारे पास मिड पॉइंट्स भी आ गए इसके। अब देखें इसमें सॉल्व कैसे करना है, मैं आपको ये बताता चलूं कि ग्राफ बनाने के लिए जब भी हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन हम सेम ग्राफ पे बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास जो ज़रूरी चीज़ है वो है क्लास बाउंड्री। मिड पॉइंट का यहाँ पर बज़ाहिर कोई काम नहीं होगा, लेकिन सॉल्यूशन में दिखाना होगा आपको, क्योंकि उसने कहा हुआ है तो हमें सॉल्व करके दिखाना है मिड पॉइंट निकाल के। लेकिन अभी देखिएगा ग्राफ में इसका कोई काम नहीं होगा डायरेक्टली। ठीक है, खैर हम सॉल्व करते हैं। आपको याद होगा वाई एक्सिस पर हम रखते हैं फ्रीक्वेंसी को और हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं क्लास बाउंड्रीज को। ठीक है, अब हम फ्रीक्वेंसी को जो है यहाँ पे हम पुट करना शुरू करते हैं, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है 20, तो
तो अब मेरी मर्ज़ी है, मैं जितने भी फासले से जो है वो बना लूँ। चार चार का फासला भी ले सकते हैं, सही है, इसी तरह फाइव फाइव का भी ले सकते हैं, थ्री थ्री का भी ले सकते हैं। मैं यहाँ की टू के फासले से बना दूँ ताकि अच्छा ग्राफ बने। तो टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी, ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गई। अब क्लास बाउंड्रीज की तरफ, क्लास बाउंड्री भी आपको याद होगा कि हम ऐसे करके इसको उतारते हैं। तो सबसे पहले आएगा मेरे पास 9.5, फिर 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, देन 69.5, ये हमारे पास आ गई, ये हमारे पास ओरिजिन ओरिजिन मौजूद है, ठीक है जी। अब हम इसको जो है वो बनाना शुरू करते हैं बहुत ईजीली, ठीक है। आपने ये लाजमन पेंसिल स्केल से बनाना है ग्राफ, सही है, आज मेरे पास भी स्केल अवेलेबल है, तो हम बनाते हैं। 9.5 से लेकर 19.5 तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4, तो मैंने क्या करा, इसको मैं 4 तक लेके जाता हूँ। इसको मैंने 4 तक लेकर गया और मैंने इसको ऐसे करके मिला दिया। उसके बाद फिर 19.5 से लेकर 29.5 तक का जो की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 7, तो मैं इसको 7 तक लेके जाता हूँ। 7 लाजमी बात है 6 और 8 के बिल्कुल बीच में होगा, तो मैं इसको बीच में लेके जाता हूँ। मैंने इसको मिला दिया, ये भी आप कोशिश करिएगा कि पेंसिल स्केल से ही मिलाए। उसके बाद 29.5 से लेकर 39.5 तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 15, मैं इसको 15 तक लेके जाता हूँ। 15 14 और 16 के बीच में 15, तो मैं इसको वहाँ तक लेके जाता हूँ। ओके, फिर उसके बाद जो है उसके बाद मेरे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई 20 तक की, मैं इसको 20 तक लेके जाता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे पास जो है वो 10 है फ्रीक्वेंसी, उसके बाद मेरे पास 10 है, तो 49.5 से लेकर 59.5 तक की फ्रीक्वेंसी 10 है, तो 49.5 तो 10 पर मौजूद है, 59 को मैं 10 तक लेके जाता हूँ। और मैंने इसको इस तरह मिला दिया, और आखिर में 4, इसको मैं 4 तक लेके चला जाता हूँ। जब आप कॉपी पे बनाएंगे तो ये और परफेक्ट बनेगा, ठीक है। ये हमारे सामने हिस्टोग्राम बन गया। अब इसी के ऊपर मुझे ड्रॉ करना है पॉलीगॉन को, इसी के ऊपर ड्रॉ करना है। तो देखें, पॉलीगॉन को ड्रॉ करने के लिए याद होगा कि हमें क्या चाहिए होता है, मिड पॉइंट चाहिए होता है, और मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि क्लास बाउंड्रीज के दरमियान का नंबर। तो ये 14.5, 9.5 और 19.5 के दरमियान का नंबर, ठीक है। तो अगर मैं इसको ग्राफ के अंदर देखूं तो 9.5 और 19.5 के बीच क्या होगा, वो ये पॉइंट होगा ना, बिल्कुल 14.5 यहाँ पर होगा, 100% बात है। तो मुझे कोई यहाँ पर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पॉइंट बना लिया। इसी तरह मैंने यहाँ पर भी पॉइंट बना लिया इनके बीच में, फिर यहाँ पे बीच में बना लिया, इधर बीच में बना लिया पॉइंट, इधर भी बिल्कुल बीच में पॉइंट बना लिया, और इधर भी मैंने पॉइंट बना लिया। अब ये बन गए। अब आप इसको, इन पॉइंट्स को जो है वो आप सिंपल जो है वो स्केल से इसको मैच कर दें, ये आपके सामने मुकम्मल हो जाएगा, जिस तरह मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी सिखाया था। ये हो गया हमारे पास, बस हम इसको हम जीरो तक ले जाते हैं क्योंकि यहां पर तो कोई मसला नहीं है, या आप स्केल के ज़रिए इसको आप मैच करेंगे और ये हो गया। ये देखें, या आप इस ये सॉल्यूशन हमारे पास मुकम्मल हुआ। क्या सवाल था कि ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन द सेम ग्राफ पेपर, ये हमने सेम ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना सीख लिया कि पहले हम नॉर्मल तरीके से हिस्टोग्राम बनाएंगे और फिर हर हिस्टोग्राम के बीच के बिल्कुल दरमियानी जगह पर हम पॉइंट बनाएंगे, वो लाजमी बात है मिड पॉइंट्स होंगे वो, और फिर उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपके सामने आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा, और इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इससे आगे बढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।